हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम एक प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर गेट एक्सेल 2020। ओके, तो इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन टोटल 30 मार्क्स कैरी करेगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, मींस आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, दैट इज 25%, 1/4। इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपका पेन एंड नोटबुक रेडी कर लीजिए। यू विल बी अलॉटेड 1 मिनट टाइम टू आंसर ईच क्वेश्चन, एंड जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड डोंट फर्गेट टू मेंशन योर टोटल स्कोर इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेस्ट। सो गाइज, गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 10^-8 मोलर NaCl एंड 10^-8 मोलर HCl। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है NaCl का एंड HCl का, एंड आपसे पूछा जा रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चार ऑप्शंस गिवन है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गाइज देखिए, हर स्टेटमेंट के अंदर आपको बफर दिख रहा है, मतलब ये क्वेश्चन बफर से रिलेटेड है। अब बफर से रिलेटेड है तो अब आपको यहां दिख रहा है, आपको एक जो कंपोनेंट दे रखा है वो है NaCl। NaCl जो होता है एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी बफर सॉल्यूशन नहीं बनाते। इसका मतलब NaCl गिवन है, एक कंपोनेंट NaCl है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये बफर की तरह तो एक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन इज अ बफर, तो ये तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन, द सॉल्यूशन इज अ बफर विद पीएच रेंज ग्रेटर देन 7, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। द सॉल्यूशन इज नॉट अ बफर, द सॉल्यूशन इज नॉट अ बफर। बट अब आपके पास पीएच पूछा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन में पीएच लेस देन 7 होगी या पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। तो गाइज देखिए, ये आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट था इसीलिए बफर की तरह ये एक्ट नहीं करेगा। दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपके पास HCl है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। HCl है तो HCl आप जानते हैं एक एसिड है। अगर एसिड किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक बनेगा। दैट मींस एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच जो होगी वो होगी लेस देन 7। तो द सॉल्यूशन इज नॉट अ बफर बट इट्स पीएच इज लेस देन 7। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो देखिए, नॉट अ बफर बिकॉज NaCl इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल्सो इट इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, सो इट्स पीएच विल बी लेस देन 7। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके प्लीज स्टॉप गाइज. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विच हैज अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इज. आपको बताना है कि इन चारों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किस कंपोनेंट का होगा, किस ऑप्शन का होगा. आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, वी के लिए 25, मैंगनीज के लिए 25, निकिल के लिए 28 एंड कॉपर के लिए 29. तो देखो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पता करना है, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा जिसके अंदर जॉन टेलर इफेक्ट लगेगा, एंड जॉन टेलर इफेक्ट D9 वाले कंपोनेंट के अंदर ज्यादा देखा जाता है. तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा. ओके नेक्स्ट, इन नेप्थिलीन द वैल्यू ऑफ इंटीजर एन अकॉर्डिंग टू द हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी इज. ओके टाइम अप गाइस. तो देखो आपको बताना है नेप्थिलीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो एन होगा अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल उसकी वैल्यू क्या होगी. सबसे पहले तो आपको नेप्थिलीन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. ओके तो नेप्थिलीन कुछ इस तरीके से दिखता है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है. एंड हकल रूल आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके अब यहां पे देखो n की वैल्यू क्या होती है, जितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपके पास, है ना. n की वैल्यू 5 नहीं होगी, सॉरी, जितने आपके पास पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. और आपको बताए एक जो डबल बॉन्ड होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर 5 डबल बॉन्ड्स है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया. अब आपको n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाए. तो 4n+2 के अंदर अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनता है. जैसे ही आप n की वैल्यू 2 रखते हो इस स्ट्रक्चर के अंदर तो आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है. दैट मींस एन की वैल्यू जब आप 2 रखोगे यहां पे हकल रूल के अंदर तो आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ओके तो करेक्ट आंसर कितना जाएगा, वैल्यू ऑफ एन जाएगी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइज. क्वेश्चन है द एजिमिथल क्वांटम नंबर एल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन DZ² ऑर्बिटल ऑफ अ कॉपर एटम इज. एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29. आपको DZ² ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो देखो सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है 3d10 4s1
एजिमिथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है 2L+1। अब देखो ऑर्बिटल्स की अगर बात की जाए तो डी के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, मींस 2L+1 आपके पास एजिमिथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है। आपने जैसे ही जीरो वैल्यू पुट करी एल की तो आपके पास वैल्यू आती है 1, विच मीन्स एस के पास कितना ऑर्बिटल है, 1। जैसे ही आपने एल की वैल्यू 1 पुट करी तो आपके पास 3 ऑर्बिटल आते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं पी के पास। एंड जैसे ही आपने एल की वैल्यू 2 पुट करी तो आपके पास 5 ऑर्बिटल आ जाते हैं एंड 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं डी के अंदर। तो आपसे यही पूछा है, एल की वैल्यू पूछी गई है तो एल की वैल्यू डी जेड स्क्वायर के लिए हो जाएगी 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो गाइज देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलो जूल मोल इनवर्स फॉर ऑब्टेनिंग 3 मोल्स ऑफ H2 फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन इन गैस फेज इज। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन गैस फेज इज 218 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके तो आपसे जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करवाई जा रही है फॉर 3 मोल्स ऑफ H2 वो भी आपको किलो जूल्स में निकालनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है तो देखो हाफ H2 से H2 गैस बनी दैट इज, और आपको फिर जो एंथैल्पी गिवन है वो है 218 किलो जूल। अब आपको 3 मोल्स बनाने हैं H2 के, विच मींस 3 आपको फॉर्मेशन करना है 3 H2 का, तो आपके पास एटॉमिक नंबर कितना हो गया, सॉरी आपके पास टोटल कितने एटम्स हो गए, 6, विच मींस आपके पास एक के लिए एनर्जी गिवन है 218 किलो जूल पर मोल। तो 3 के लिए कितनी एनर्जी गिवन कितनी होगी, 6 × 218 दैट इज 1308 किलो जूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो गाइज क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का इन केस ऑफ हीलियम बोरॉन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट इज। ओके तो देखिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आपने लिखी हीलियम के लिए 2s2, नाइट्रोजन के लिए 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2p4, बोरॉन के लिए 2p1। अब आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में आप सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, ये सब क्राइटेरिया देखते हैं। उसके बेसिस पे 2s2 आपका फुल फिल्ड है, 2p3 हाफ फिल्ड है, देन आपके पास 2p4 है, देन आपके पास 2p1 है।
तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो हीलियम के लिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि यहां पे फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन है, दैट इज 2s2। देन नाइट्रोजन हाफ फिल्ड 2p3, उसके बाद 2p4 ऑक्सीजन एंड देन बोरॉन। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा HE देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन बोरॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो टाइम अप गाइस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू N2, N2 प्लस, O2 एंड O2 प्लस इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक एक करके सारी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, जैसे बॉन्ड ऑर्डर है N2 एंड O2 आर हायर देन दियर करस्पॉन्डिंग कैटाइन्स, कैटाइन्स के केस में आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा, देन बॉन्ड एनर्जी, देन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन N2 प्लस एंड O2 प्लस आर प्रेजेंट इन सिग्मा एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी वाला ऑप्शन भी गलत है, N2 के पास शॉर्टर बॉन्ड नहीं होता देन इन केस ऑफ N2। ओके तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो टाइम अप गाइस। आपको डायबोरिन से रिलेटेड इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायबोरिन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, B2H6 से। तो आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे BHT, टी यहाँ पे आपका टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो जो बॉन्ड होता है दिस इज टू सेंटर्ड बॉन्ड, यस ये आपका करेक्ट है। BHB, बी इज द ब्रिज एटम, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यस ये भी आपका करेक्ट है। द बॉन्ड एंगल HT BHT इज 122 डिग्री, वेयर HT इज द टर्मिनल हाइड्रोजन, ये पॉइंट भी आपका करेक्ट है। तो जो आपका इनकरेक्ट है वो पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, क्योंकि जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है टर्मिनल हाइड्रोजन पे बोरॉन एंड हाइड्रोजन की वो शॉर्टर होती है देन ब्रिज एटम से। ओके सो जो करेक्ट ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके सो स्टॉप गाइस, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखे हैं इथाइलीन ग्लाइकॉल के लिए एंड 1-2 डाइफ्लोरो इथेन के लिए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सा होगा जिसके अंदर लोएस्ट एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो देखो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि गॉच स्ट्रक्चर कौन सा है एंड एंटी स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखो जहां पे ये दोनों OH एक दूसरे के बिल्कुल साइड में हो गए तो यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा आपका गॉच स्ट्रक्चर। ओके ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहां पे भी सिमिलर काइंड के दो एटम्स आपको दिख जाए तो आप उसे गॉच स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर कर सकते हो। यहां पे आपका एंटी स्ट्रक्चर होगा तो ये आपका एंटी है। इधर आपके पास दो एफ हैं, फ्लोरीन एटम्स हैं, ये आपका होगा गॉच स्ट्रक्चर। ओके एंड यहां पे आपके पास एफ एंड एच हैं, तो ये आपका होगा एंटी स्ट्रक्चर। ओके एंड जहां पे भी हम कम एनर्जी की बात करते हैं तो जो गॉच स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। तो द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन विल बी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर गॉच है, सेकंड स्ट्रक्चर एंटी है, थर्ड स्ट्रक्चर फिर से गॉच है, फोर्थ स्ट्रक्चर एंटी है एंड गॉच शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके टाइम अप गाइस। तो देखो आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, आपको एक रिएजेंट सेलेक्ट करना है जिसकी प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बनता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएगा। परऑक्साइड जहां पे भी आ जाएगा, परऑक्साइड एंड HCl के प्रेजेंस में आपका एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइस सो देखो यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेक्सोज विल गिव एन ओसाजोन दैट हैज अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम द ओसाजोन ऑब्टेन फ्रॉम डी प्लस ग्लूकोज। तो
आपको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, आइडेंटिकल एंड एनेंशियोमर्स नॉट गिव्स डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डायस्टीरियोमर जो होगा वो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट दे देगा। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक डायस्टीरियोमर सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से डिफरेंस आएगा मेल्टिंग पॉइंट में ओसा जोन के केस में। तो देखो यहां पे ये जो थर्ड नंबर से लेके यहां तक ये जो तीनों अलग अलग ग्रुप्स दे रखे हैं, तो ये आपका एनेंशियोमर हुआ, यहां पे भी आपका एनेंशियोमर है। अब देखो यहां पे सेम ग्रुप्स आ गए OH OH OH, तो ये आपका डायस्टीरियोमर की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं वो देते हैं डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके टाइम अप गाइस। तो देखो अ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेस इनटू टू डिफरेंट क्रिस्टल्स फॉर्म द रेट कांस्टेंट, दो रेट कांस्टेंट दे रखी है K1 एंड K2, 0.02 सेकेंड इनवर्स एंड 0.13 सेकेंड इनवर्स। इफ द क्रिस्टलाइजेशन इज अज्यूम टू बी अंडर काइनेटिक कंट्रोल देन द हाफ लाइफ इन सेकेंड्स राउंड ऑफ टू 1 decimal ऑफ द मॉलिक्यूल इज। सिंपली आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब आपके पास मान लीजिए आपको दो रेट कांस्टेंट गिवन है, एक प्रोडक्ट 1 के लिए फॉर्मेशन के लिए, एक प्रोडक्ट 2 के फॉर्मेशन के लिए। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन डीए माइनस डीए अपॉन डीटी इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। ओके, तो देखो रेट कांस्टेंट दो गिवन है, टोटल रेट कांस्टेंट निकाला तो दैट विल बी इक्वल्स टू K1 प्लस K2। टी हाफ के लिए फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट। वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करने पे आएगा 4.62, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, राउंडेड ऑफ टू 1 decimal, एक डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जाएगा 4.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके टाइम अप गाइस। तो देखिए क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर अ सेल रिएक्शन गिवन बिलो इज 0.7 volt, ई सेल दे रखा है 0.7 volt, एंड आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू इन किलो जूल्स मोल इनवर्स में, ठीक है। आपको राउंडेड ऑफ करना है, जो आपका करेक्ट आंसर आएगा अप टू 2 decimals, एंड फैराडे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 96500 कूलंब मोल इनवर्स। आप बहुत अच्छे से जानते हो डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज माइनस एन एफ ई। अब एन क्या है,
एन आपको सिंपली देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं एंड दैट इज क्लियरली विजिबल दिस इज 3. तो एन की वैल्यू जो है वो है 3. आपने डेल्टा जी के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करी, सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, कैलकुलेट किया तो आया 202650 जूल पर मोल. लेकिन आंसर हमें किलो जूल में निकालना है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 1000 किया तो आंसर आता है 202.650. लेकिन अब आपको अप टू 2 डेसिमल्स देना है तो करेक्ट आंसर होगा 202.65 किलो जूल मोल इनवर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टाइम अप गाइस. तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी एस्टिमेटेड फॉर अ रिएक्शन फ्रॉम द अरहेनियस इक्वेशन इज 21 किलो जूल मोल इनवर्स. इफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर देन द रेशियो ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट डिटरमाइंड एट 298 केल्विन एंड 260 केल्विन इज. तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी या अरहेनियस इक्वेशन की अगर बात की जाए तो दिस इज के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ई एक्टिवेशन डिवाइडेड बाय आरटी. अब आपको के टू एंड के वन की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर्स गिवन है 298 एंड 260. आपने सिंपली वैल्यूज पुट करी, ए से ए कट हो गया तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 बचा. जैसे ही आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 3.45. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टाइम अप गाइस. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अ गिवन प्रेशर अ सब्सटेंस इज हीटेड फ्रॉम 2000 केल्विन टू 2600 केल्विन. इफ एंट्रोपी इज 60 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड इट इज अज्यूम टू बी द कांस्टेंट ओवर द गिवन टेम्परेचर रेंज देन द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस. देखो गाइज ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है केमिकल पोटेंशियल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है लाइफ साइंस या गेट एक्सेल के एग्जाम में, तो हम एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. केमिकल पोटेंशियल जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय डी म्यू इज इक्वल्स टू वी डी पी प्लस एस डी टी. अब देखो वी डी पी जो प्रेशर चेंज है वो है जीरो. क्यों? क्योंकि उसने गिवन प्रेशर पे आपको दे दिया है, सिंपली आपको उसने बता दिया है कि प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट है. तो डी म्यू जो होगा वो इक्वल्स टू एस डी टी हो जाएगा. एस इज द एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 60 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड आपको कैलकुलेट करना है केमिकल पोटेंशियल इन किलो जूल्स पर मोल में. तो एस डी टी, डी टी इज द टेम्परेचर चेंज, 2600 माइनस 2000 किया आपने, 16 इंटू 600 दैट इज 36000 जूल पर मोल.
लेकिन आपको केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स. तो आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास करेक्ट आंसर आता है 36. तो गाइज ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सिंपली केमिकल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए. ओके गाइज, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. नाउ इन केस अगर आप नए हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे YouTube चैनल को, दैट इज गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर गिवन है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR UGC नेट तो आपने यहाँ तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है स्क्रीन पर. जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी. थैंक यू वेरी मच गाइज.